आगे जेबीएम ऑटो की हाइड्रोजन गाड़ियों को लेकर क्या योजना है और इस वक्त कंपनी का फोकस कहां पर है, इसी पर जेबीएम ग्रुप के वाइस चेयरमैन निशांत आर्या से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता तरुण शर्मा ने। जिस तरह से ये मोबिलिटी बढ़ रही है, इस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए एज एन इंडस्ट्री आपको और क्या रिक्वायरमेंट है? नहीं, डेफिनेटली एक क्लियर रोड मैप जहाँ की हम ये समझें कि आगे आने वाले वर्षों में क्या होने वाला है, कैसे डिप्लॉयमेंट होगा। जैसे आपने देखा कि सोलर सेक्टर ने गति पकड़ी पिछले 10 सालों में, जब इस सेक्टर को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया गया, और आज हम दुनिया की नंबर वन कंट्री बनने जा रहे हैं सोलर एनर्जी में। करीबन 500 गीगावाट एनर्जी हो जाएगी 2030 तक। वही मैं देखता हूँ हो सकता है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, जहाँ इंडिया कैन बिकम द ग्लोबल ईवी कैपिटल। एंड क्लियरली उसकी मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट, टेक्नोलॉजी फुटप्रिंट, स्किल मैट्रिक्स और पूरा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करेगा उसको देख के। और प्लेयर्स काफ़ी गंगो हैं इसमें, इंडस्ट्री में लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से, पावर इंडस्ट्री से, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री से, रेलवे इंडस्ट्री से काफ़ी लोगों ने कदम रखा है। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काफ़ी मेजर रोल है और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉफ्टवेयर सभी की रोल प्ले करते हैं पूरा इकोसिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए। एज ए कंट्री हम जब आज के दिन 1.6 मिलियन इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं पर एनम, सो क्लियरली वो हमारे को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैब्रिक देता है कि कैसे वी कैन बिकम द पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। अगर सिर्फ जेबीएम की बात करें तो जेबीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, जो आपको मौजूदा ऑर्डर्स हैं उसकी क्या टाइमलाइन है, क्या कैसे उसको पूरा करेंगे और किन नए सेक्टर्स में आप देख रहे हैं? तो हमारे पास अभी करीबन 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर्स हैं जो कि हम अगले 12 महीने में डिप्लॉय करेंगे पैन इंडिया बेसिस पे। और हमारी अब केबिलिटीज़ को हमने काफ़ी इन्हेंस किया है। हमारे इंजीनियर्स करीबन 500 R&D इंजीनियर्स हैं इंडिया में, यूरोप में और अलग अलग कंट्रीज़ में पूरे ईवी इकोसिस्टम और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के लिए। और हम लोग बहुत फोकस्ड हैं इस सेगमेंट में और इसको हम इसीलिए ग्रो करा रहे हैं और ये आगे बढ़ता जाएगा। एंड डेफिनेटली वी वुड लाइक टू बी द फ्लैग बेरर ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विजन टू सी दैट हाउ ग्रीन एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज़ बिकमिंग द वे ऑफ लाइफ फॉर इंडिया।